जीएच में एक लड़के और एक लड़की का जन्म हुआ। वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे कि ये मासूम सा दिखने वाला लड़का ऋषि है और ये गोनू मोनू लड़की है राधा। ओह, इन दोनों के जन्म का टाइम तो देखो अच्छा है ना। रामदू और चंटी बच्चों के फादर्स, लेकिन ये कोई नॉर्मल फादर्स नहीं, ये है फ्रेंडशिप के ब्रांड एम्बेसडर्स। मेरा मतलब हमारी कहानियों की करण अर्जुन के जैसे। सच्ची दोस्ती की तौर पर उन्होंने घर भी एक जैसा एक साथ बनवाया। अब आया छठा महीना और दूध छुड़वाने की रस्म। राधा और उसके भाई बहन सब इंतजार कर रहे थे कि वो पहले किसे पकड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ ऋषि के पेरेंट्स, उसके भाई और उसकी दादी भी इसी बात का इंतजार कैसे कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि वो क्या पकड़ेंगे। हे हे, क्यों रुक गए? हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। हाथ तो उन्होंने तभी थाम लिए थे। हे, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ। सच में मैं भी तेरे लिए गिफ्ट लाई हूँ। देखा मुझे ऐसे नहीं। वन टू थ्री ओपन। हे हे, सेम गिफ्ट। Hey, हमारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे ऋषि, हैप्पी बर्थडे राधा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे ऋषि। राकेश, आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे राधा। थैंक्स। हैप्पी बर्थडे राधा। इतना लेट क्यों ऋषि? मुझे कब से भूख लग रही है। राधा, राकेश से बात करना छोड़ दे। ऐसा क्यों? बस बात करना बंद कर दे। ठीक है, चलो खाते हैं। आना। एक, तूने इंग्लिश का होमवर्क कर लिया? राधा, राधा। मैंने तो अपना कर लिया। तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? मुझे तुझसे बात नहीं करनी। और ऐसा क्यों? ऋषि ने मुझे मना किया है। क्या मतलब? जो वो बोलेगा वही करेगी? हाँ। ठीक है राधा, मुझसे बात मत कर। सर आज टेस्ट ले रहे हैं, ये सवाल मुझे समझा दे प्लीज राधा। ठीक सम। ये लास्ट एंड फाइनल है। हाँ, ओके। सुनो, ये x² + y² + 2xy हमारा फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे? हमें ये बनाना होगा और x² + y² + 4xy। ऋषि, ऋषि तो क्या कर रहा है? ऋषि छोड़ उसको। ऋषि, ऋषि, किसी सैडिस की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? मुझसे कोई बात करेगा तो उसे मार देगा। तू पागल है क्या? पता ही ये क्या करने वाला था? पर नहीं, इसे तो जान से मारना चाहिए। ऋषि, 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 मैं एक लड़की हूँ और फिर भी तूने मुझे थप्पड़ मारा। मैं अब तुझसे बात नहीं करूंगी, चाया से। किसे फर्क पड़ता है, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा, चल जा। हे ऋषि, जब तक तू पहले मुझसे बात नहीं करेगा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, ये याद रखना। पहले तूने मुझे थप्पड़ मारा था, जब तक तू पहले मुझसे बात नहीं करेगी, मैं तुझसे बात नहीं करने वाला, समझी? तू ये या अरे ऋषि कहाँ है? वो तो नीचे है। ए ऋषि कहाँ है? क्या हो गया? किसी ने राधा को किडनैप कर लिया। कौन सी बड़ी बात है, तू क्यों परेशान है भाई? ऋषि के होते हुए कोई राधा को छेड़ नहीं सकता। मतलब बॉय ऑलरेडी फील्ड में एंटर कर चुका है।
क्या हुआ? तुझे किडनैप करने का प्लान था हमारा। लेकिन क्यों? हाँ, अपनी बहन की आंखों में खुशी देखने के लिए मैंने अपने जीजा को। बहन मजे कर। बॉयज क्या यार, आ जाना भाई, थोड़ा सोडा मिक्स करना चाहिए था ना। टाइम देखा क्या हुआ? तूने भी मुझे डिस्टर्ब करने के लिए क्या टाइम सुना है इडियट? तू गया, तू गया, तेरी तो रुक रुक ना, तेरी रुक रुक ए, ए तेरी ऋषि आ जाना। ए रुक तो, तुम फिर शुरू हो गए। हे बालू, तुम सुबह सुबह एक दूसरे के पीछे क्यों पड़े हो? हे हे हे, ये क्या है? अरे अरे बुढ़िया, आज तो ये क्या मेरा? ऐसा मत करो, वो तुमसे बड़ा है। अरे मा, 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 मा। अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे ध्यान से, सब्जी है। अभी मुझे क्यों मारते रहती है बेचा? इसे भी तो कुछ बोला कर। रुक तेरी, तेरे को तो मैं बताता हूँ। अरे आना, तू इस बकवास की वजह से इतनी जल्दी उठी है? ये समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ बुजी? तुम्हारे हाथों में तो स्टेथोस्कोप होगा, ये कलर्स और डिजाइन्स क्यों? ऐसा नहीं है भाई, कहीं तो कोई डॉट गलत है, उसने पूरा डिजाइन खराब कर दिया। ए, ये सब ऐसे क्यों भाग रहे हैं? इसमें नया क्या है? उसने कोई सपना देखा होगा और उसका भाई उसे छेड़ा होगा। ए, रुक रुक रुक, दादा कोई डिजाइन मार रहे, चल देखते हैं। लगता है यहाँ कोई मुझे याद कर रहा है। कौन है रे? ओके क्या रे, सुबह सुबह क्या किया तूने? कुछ नहीं ब्रो, इतना अच्छा सपना देख रहा था, इसने डिस्टर्ब कर दिया। ड्रीम या ड्रीम गर्ल? मेरी ड्रीम गर्ल कौन होगी, तेरी बहन के अलावा? अरे मेरा मतलब ड्रीम में गर्ल, कॉलेज फेलिसिटेशन फंक्शन है ना, सबको एमबीबीएस की डिग्री मिल रही थी, बस तुम्हारी बहन को चालाक पाउडर मिला है, इस बंदे ने उस ड्रीम में डिस्टर्ब कर दिया। इडियट, उसे क्यों परेशान कर रहे हो? ये हमारी महालक्ष्मी है, इससे हमारी सफलता चलती है। अरे बाबा, तुम पैदा हुए तो इनका सबको क्या था? पापा, ये महालक्ष्मी है तो मैं कौन हूँ? तुम धनलक्ष्मी से कम हो क्या? हाँ, कल आपने प्रोडक्शन क्यों बंद कर दी? आपके पास तो 8 लक्ष्मियाँ होती। अरे हम फंस गए, चलो चलते हैं यहाँ से, चलो चलो। ठीक है, कल मिलते हैं। तुम्हारी महालक्ष्मी ने डिजाइन बीच में क्यों छोड़ दिया? हाँ कमीना, कहीं का पता चल गया। टिक टिक टिक, बहुत सारे लोग प्लान बनाते हैं लेकिन कुछ ही उसमें गिरते हैं। ओ, ओ। यस। ये क्या था, हीरो बन रहा था, इतनी आसानी से गिर गया? अबे नहीं ब्रो, तेरी बहन ने तो पैदा होते मुझे गिरा दिया था। क्या रे, मुझसे नजर नहीं हटा सकता?
मेरे ही सपने देखता है, मुझसे ही प्यार करता है, हाँ? लेकिन मुझसे बात करने में ईगो। आफ्टर ऑल तुम तो ऐसे ही हो, फिर भी इतना घमंड। मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मुझ में कितना घमंड होना चाहिए। अब देखना, अपने नेक्स्ट बर्थडे से पहले मैं तुझसे पहले बुलवा कर मानूंगी, सब सेटल कर दूंगी। अगले बर्थडे तक वेट क्यों करना? मेरे लिए 24 घंटे भी ज्यादा है। अगर मैं चाहूँ तो सैंपल दिखाऊं क्या? हाँ, हम पहले बहुत देख चुके हैं। रो, अभी तक कुछ और था, अब कुछ और होगा। बताऊंगा नहीं, तुझे दिखाऊंगा। हे राधा, तुम आंटी के घर जा रही हो? ऋषि के यहाँ मिठाई दे देना, उसे ये बहुत पसंद है। कौन, वो अगले घर का लड़का? ए, उसका इतना अच्छा नाम है ऋषि, तो उसे पड़ोसी क्यों बुला रही है? मेरी मर्जी, मैं उसे ऐसे ही बुलाती हूँ। वैसे तुम्हारी अपनी बेटी के लिए बन नहीं है, लेकिन उस पड़ोसी के लिए है। वो शर्माता है, उसके सामने जो होता है वो नहीं खा पाता, लेकिन तू तो अटारी से भी खोद कर खा लेती है। मतलब मुझे कोई शर्म नहीं है? छे, मैं अब कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, हे राधा, इसे साथ लेती जा। अरे सुन, आंटी को तेरा तरा अंकल। हाँ, टाइम हो गया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ बैठ जाओ। हाँ, घर में डॉक्टर है, फिर भी आप मेरा वेट क्यों करते हो? इससे पता चलता है इस पर कितना भरोसा करते हो। घमंडी नीच कहे कि इसे थोड़ा आराम से नहीं कर सकते? मैं आराम से करूँ? हाँ, तो फिर पड़ोसी से ही करवा लो ना। क्या, तुम मेरे घर में हो और उसे पड़ोसी बोल रही हो? देखो अंकल, वो कहीं पर भी हो, पड़ोसी ही रहेगा। आपको कोई प्रॉब्लम है? वाह माँ, हाई फाइव, कुछ ज्यादा फास्ट नहीं हो रही हो? हाँ ठीक है बुढ़िया, रात को देखता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा, करेक्ट है। निपीला सुत तरा लगदा चंगा बड़ा, नीला सुत तरा। अगर उसे टाइम से पहुंचना है तो मैं ही एक ऑप्शन हूँ। क्या हुआ बुजी, कोई प्रॉब्लम है? स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है। ऋषि, क्या साले, इसके बाइक में प्रॉब्लम है। मैकेनिक का नंबर चाहिए ना? लिफ्ट दे देना, एक ही तो कॉलेज जा रहे हो। तुझे बात नहीं करनी ना तो मत करना। मेरे भाई, एक बढ़िया टेक्निक बताता हूँ, जिसे जरूरत है वो लिफ्ट के लिए बोल सकता है। भैया, मैं लिफ्ट के लिए किसी को नहीं बोलूंगी। आप जा रहे हो तो आपके साथ चलूंगी, वरना ऑटो ले लूंगी। ठीक है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। पॉलिटिशियन जो है, सुबह सुबह सोशल सर्विस। साले कमीने, मेरी बंदी पर नजर डाल रहे हैं। से आया बे तू? इधर आ बेटा। हाँ भैया। कितने का है? बस 100 रुपए का है भैया। थैंक यू। क्या हुआ, तूने ये क्यों ले लिया? अब छाता बहुत बढ़िया चीज है साले साहब, अभी पता चला। ये क्या है? ओ साले साहब, तुम्हारा फोन बज रहा है। सर, शुरू करो सर, 10 मिनट में आ रहा हूँ सर। ओके सर। ए ऋषि, जल्दी से इसे कॉलेज ड्रॉप कर दे। अब ऐसे नहीं सर, कॉमेडी कॉमेडी है, सीरियस है। तू जा। और बगाड़ी से
मेरा जीजा तो रॉकस्टार है, एक फोन और सारा सब कुछ सेटल। ए कॉन्ग्रेट्स ब्रो, फाइनली सेटल हो गया। थैंक यू। ये अलग बंदा है। तुम यहाँ कैसे, पैचअप हो गया क्या? तू कैसे आई? ऑटो से। ऑटो वाले से तेरा पैचअप हो गया? ये क्या है, जवाब उसने दिया तूने मुझे मारा? लिफ्ट के बाद थैंक्स कौन बोलेगा? हाँ ओए, पता नहीं प्लग निकालेगा तो दांत निकल सकता है। अरे यार उसे पता चल गया। तू है तुझ पे, मुझे लगा सब कुछ सॉर्ट हो गया होगा। बाइक पर लाने के लिए तूने ये प्लान बनाया। अर्जुन सर, पॉलिटिकल करियर कैसा चल रहा है? अच्छा है सर, मुझे अच्छाई से ज्यादा बुराई खत्म करने के लिए काम करना है सर। ये तो बहुत अच्छा कर रहे हो। यूथ लीडर अर्जुन प्रसाद को आपने फाइनल कर दिया क्या? ऑलमोस्ट। हेलो सर, एक मिनट सर, पार्टी प्रेसिडेंट है सर। सर? हाँ सर, ऐसा नहीं है सर, मेरा मतलब था बिल्कुल सर। अर्जुन प्रसाद जैसे किसी को मैं यूथ लीडर देखना चाहता हूँ और पॉलिटिक्स में बदलाव चाहता हूँ। राजनीति में कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है, आप किसी और को ट्राई क्यों नहीं करते? ये गलत है मिनिस्टर साहब। मिनिस्टर जी, आपने मेरे बेटे को क्यों रिजेक्ट किया और उस कल के लौंडे को प्रमोशन दे दिया क्यों? मुझे अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, अभी के लिए कर दो। सर मिडिल क्लास फैमिली का बैकग्राउंड, IIT मद्रास से एमटेक, पैशन के लिए पॉलिटिकल एंट्री। आपने कभी फेलियर एक्सपीरियंस किया है सर? नहीं सर, क्योंकि मैंने अपनी लड़ाई कभी नहीं छोड़ी है। कार्यकर्ताओं और पार्टी के लीडर के अचानक डिसीजन की वजह से राणा यूथ लीडर। इंपॉर्टेंट, ये सब क्या है? आगे बढ़ने के लिए ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है, अपनी कमजोरियों को भी छुपाना सीखो। पार्टी यूथ लीडर अर्जुन प्रसाद को डिक्लेयर करता हूं। छोटी सी पोस्ट के लिए तुमने हमारी बेइज्जती की है। मैंने तो पोस्ट मांगी ही नहीं सर, मुझे तो वो चाहिए भी नहीं। आपकी इज्जत वो मैंने खराब नहीं की। सुनिए, जैसे आपके लिए अपनी इज्जत जरूरी है, वैसे मेरे लिए मेरे पार्टी की इज्जत जरूरी है। इज्जत मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। माँ जी। हाँ वो आने वाला है, थोड़ा जल्दी करो। कर रही हूँ। ये लो रखो, यहाँ दो। ऋषि क्या कर रहे हो, फूल नहीं लगाए, थोड़ा जल्दी करो। अरे जल्दी करो, टाइम नहीं है, क्या कर रहे हो? जानते हे, कैसा है? आजा आजा, बढ़िया। आओ आओ आओ, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। अरे ऐसा नहीं है भैया, ये हमारा लड़का है। वाह, ऐसा लग रहा है सारी दुनिया हमारे साथ उगादी मना रही है। लेकिन हम लोग तो साथ में उगाड़ी पर, वो कहाँ है? हो रही है आंटी, सब आइटम्स तैयार हैं, अचार बना। इसमें नीम के पत्ते नहीं है? अरे वो तो मैं डाइनिंग टेबल पर ही छोड़ आई। हेलो, मैं हूँ ना। हाँ देखा, चलो आओ। फूल यहाँ है, लेकिन मेरा लव कहाँ है? Thank you.
मुझे दो अंकल, मुझे दो। अरे अरे मुझे 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 दो ना। पहले इसे मुझे। सबसे पहले इनका दोस्त आता है। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बनी है, कमाल की, मजा आ गया। ए शंकर, अरे वहाँ पर क्यों खड़े हो तुम? यहाँ आओ ना। सच कहूँ रेंडी फैमिलीज़ ने ला चूसते चाला हैप्पी गाउन तदरना को मुझे। आओ ना भैया, बैठो बैठो ना भैया। अब हैप्पी उठ गई। तो क्या खबर है? मेरे छोटे बेटे की शादी है, उसका कार्ड देने आया हूँ। थैंक्स भाई। तुम दोनों को परिवार समेत शादी में जरूर आना है। घर में शादी है, हम लोग क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। क्या बात है, दोनों को एक ही कार्ड दे दिया तो बुरा लग गया क्या? ऐसा नहीं है कि मेरे पास कार्ड नहीं है। कार्ड है, पर कार्ड में भी दोनों को मैं अलग नहीं करना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात है, तुम दोनों के पिता आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। चलो भाई मैं चलता हूँ। अरे खाना खा के जाइए ना। अरे नहीं, बहुत सारे कार्ड बांटते हैं अभी। ठीक है, आइएगा। अच्छा चल, बिल्कुल। ए बालो, हेरा ऋषि। ए ऋषि, माँ भूख लगे, कुछ खाने का दे दो। उसे भी बुला ले। ए, बहुत बैटिंग हो गई, शुरू कर, मैं आता हूँ। ओके। हेलो। हे ऋषि, मुझे कुछ काम है, घर आ। भूख लगी है, खा कर आता हूँ। मेरे पास इम्पोर्टेड चॉकलेट आई है। इम्पोर्टेड? सुबह का कॉल आया था, कुछ इम्पोर्टेड मैटर है। आया अंकल। अरे ऋषि ऋषि, सही टाइम था, कम बेबी इसको भी डाल दो। आजा। एक्चुअली अंकल, मैं बस अभी लंच करके आया हूँ। माँ ने क्या बनाया है? चिकन करी आंटी, चिकन। ऐसे त्योहार के दिन पे चिकन, कुछ समझ नहीं आया। चिकन नहीं, छोले छोले छोले। तो हमें भिंडी क्यों भेजी? जीजा को पसंद है ना, उनके लिए बनाई है। सच्ची भाई, आपने कब से भिंडी खाना शुरू कर दिया? राक्षसी, सुबह से कुछ इम्पोर्टेंट काम था, मैं आता हूँ। स्कॉटलैंड, द लैंड ऑफ विस्कीज। एक दोस्त से मंगवाई है। तू मेरी एंजल है। वो क्या है? ओ रसम। क्या छुपा रहा है रे? कुछ नहीं चीज़। कुछ नहीं क्यों बोला? कुछ नहीं। yes. क्या है वो? कुछ नहीं बता, यार। बता बता, इधर ला। चॉकलेट ही तो है, ऐसे क्यों छुपा रहा था? भाई तो बोल रहा था ना। एक ले लू? या। थैंक्स मैन। ओहो, फेस्टिवल का एटमॉस्फेयर यहाँ बना हुआ है। कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो गड़बड़ है। अगर हम भैया को यहाँ बुला लें तो सब ठीक हो जाएगा। तू सीन क्यों बनाना चाहती है, छोड़ना। अगर सही बंदा मुझसे रिक्वेस्ट करे तो मैं सोच सकती हूँ। दुश्मनों से भीख मांगना हमारे ट्रेडिशन के खिलाफ है। जो करना है करने दे। ए, तू पागल है क्या?
इसे और क्यों उकसा रहा है? ए, पहले जाकर पैक ठीक से बना। ए, नहीं सुन, काम कर, इसे मैं देखता हूँ ना। सॉरी। मैं ना फोन करने जा रही हूँ, लगा रही हूँ मैं फोन। ये क्या है, कैसे बुढ़िया जैसी सरक गई है। उसको करने का बोला। हेलो राधा, कैसी है तू? सब ठीक है ना? मुझे क्या हुआ है? क्या मतलब, ग्रुप में उसने मैसेज डाला है कि तू सीढ़ियों से गिर गई है। ची, हे राधा, कट दे फोन। कैसा लगा? क्या हुआ? फाइनल सेमेस्टर एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है, 21st से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। चल कैंटीन चलते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी पहले ही आती है। ए, नोटिफिकेशन तो अभी आया है, इन्होंने तो अभी से शुरू कर दिया। कुछ भी हो भाई, ये अपने कॉलेज के बेस्ट लवर्स हैं। मुझे क्यों मारा? क्यों ना मारूं? ए, ए, इधर आ। क्या है? भैया गर्मा गर्म समोसा है, लोगे क्या? ए, ऑलरेडी तो खा चुका है, तो निकल। ए, तुम दोनों तो एक दूसरे से बात करते नहीं और हमें बेस्ट लवर्स मानते नहीं, ये सब हम क्यों झेलें? ए तू रुक, ए उठना, ए तू भी उठ, चल निकल, उठ। ए तू इधर आ, बैठ। राधा तू भी बैठ। क्या है? क्या मतलब क्या? तुम दोनों ने मुझे एक एक करके थप्पड़ मारा और मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूं? तुम्हें पता भी है कि तुम दोनों की ईगो की वजह से ये बैच कितना ज्यादा सफर कर रहा है। हमारी वजह से क्यों सफर कर रहे हैं? एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल बताऊं? बता, तुम में से किसी को याद भी है कि ये बकवास कैसे शुरू हुई थी? वो पूछ रहा था कि क्या वो उसे हमारे सामने काटेंगे। अरे हमने कितने काट लिए, वो क्यों डर रहा है, एक ही बार में काट देंगे। हाय प्रोफेसर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, ये डिसेक्शन लैब है, तुम सब यहाँ पर एक साल बिताओगे। किसके साथ सर? आपके साथ। अरे बॉस डीके, तेरे घटिया जो क्या काम नहीं आएंगे इन डेड बॉडी के साथ। गेट द बॉडी, गेट मी द बॉडी। ओह नो, तुम सब अपना नाक क्यों बंद कर रहे हो? मैं तुम सबके दांत तोड़ दूंगा। आधर आओ, हटाओ ने। ये प्रोफेसर आशीर्वाद हमें अपनी बॉडी इस लैब को देकर महान काम किया है। हेलो सर, हाउ आर यू? आशीर्वादम जी का आशीर्वाद लो। सब अपने हाथ जोड़ो, जल्दी से हाथ जोड़ो। प्रणाम सर। एक्चुअली आशीर्वाद सर इज नॉट डेड, आई मीन ही इज लीव द नॉलेज। यस, मैं आवाज से बता सकता हूँ, शी हैज कंसीव्ड। ओके ओके ओके, इसे पकड़ो, अब मैं पूरी क्लास को दिखाता हूँ। This is bicep rake, okay? One of the chief muscles of the arm. Don't push, don't push. मेरे हाथ में चाकू है। It's called two-headed muscle of the arm, okay? This thick muscle of the arm. Don't push, कट लग जाएगा। अब हम बिल्कुल ध्यान से। Hey, इसका छोड़ के तेरा आइटम काट दूँगा। You fool. Sir, please, sir. उस दिन प्रोफेसर ली ने पूरे बैच को डीन के सामने खड़ा करके हमारी बेइज्जती की थी, लेकिन तुम वहाँ भी नहीं रुके। हाँ, क्लास में लड़ते हो, लैब में लड़ते हो, स्पोर्ट्स में लड़ते हो, तुम तो कैंटीन भी नहीं छोड़ते। तुम लोगों को रियलाइज हो रहा ही था, जब तक तुम्हारे बैच में ये दोनों रहेंगे तुम्हारे बैच का यही होगा। ओके एंजॉय। सर आप इन दोनों को कुछ देंगे नहीं?
सॉल्यूशन सर सिंपल, इनके ईगो इनकी इंटेलिजेंस के साथ खत्म हो जानी चाहिए। अगले सेमेस्टर एग्जाम्स में जिसका भी टॉप स्कोर आएगा वो जीतेगा। हारने वाला जीतने वाले से माफी मांगेगा और बात शुरू करेगा, ओके ना? I'm okay, sir. थैंक्स आले, अपनी बहन से माफी मंगवाने के लिए। अरे दामाद जी, ये फालतू की बकवास छोड़ो, ओके है या नहीं वो बताओ। ओके सर। ओके ओके सर। काश तुम भी शादी में साथ चलती। फाइनल एग्जाम से आंटी, वरना मैं साथ चलती। यही तो कंट्रोल होना चाहिए, हम या नहीं है तो तुम लड़ाई मत करना और अच्छे से पढ़ाई करना। जीजा जी, सिग्नल हो गया। हाँ चलिए, जल्दी करो, जल्दी करो, चलो। आइए आइए। हे, ख्याल रखना। हाँ ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, अच्छे से पढ़ना, बाय। अभी ये क्या कर रहा है, बिना पढ़े ही पेज पलट रहा है। अरे हाँ, राधा तो बहुत पढ़ रही है बे, लेकिन तू क्यों नहीं पढ़ रहा है बे? अरे हमें जीतने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें बस ये ध्यान रखना है कि राधा ना पढ़े। ये तो गलत है, करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लान क्या है? अभी मेरे और उसके घर में कोई नहीं है, अच्छी रात में बिल्कुल अकेली होगी। मुझे नहीं पता था कि तू इतना गिर जाएगा। तू भले ही उसका कट्टर दुश्मन है, लेकिन मैं उस जैसे फूल को तुझसे खराब करवाते हुए नहीं देखना चाहता। कल के अंधे, पहले मेरी बात तो सुन ले। मतलब तू राधा के साथ बीन नहीं बजाएगा? छी, राधा को भूतों से बहुत डर लगता है। एक झटका और वो 3 दिन तक नहीं उठने वाली और हम जीत जाएंगे। क्या आइडिया है तेरा? तुझे ना छोड़ूंगी नहीं, कितना घटिया प्लान है। मैं कंबाइंड स्टडीज के लिए तेरे घर आऊंगी। అయినా వాడికి భలే షాక్ ఇచ్చావి, నువ్వెక్కడున్నావు తెలియక ఈ పాడికి పిచ్చోడై తిరుగుతుంటాడు. లెక్క సరి చేసా, లేకపోతే మనతోనే అట్లా. मुझे डिस्टर्ब करना ही उसका टारगेट है, मैं तो घर जा रही हूँ। लेकिन क्यों, नीचे चलकर रूम में पढ़ लेते हैं? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसका तो यहाँ होना ही प्रॉब्लम है। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड है तो मेरे पापा कॉम्प्लिकेटेड के बाप है। अगर ये सैडिस्ट है तो मेरे पापा सैडिस्ट के सिंबल। चल दिखाती हूँ। पापा, पापा। क्या हुआ मेरी बेटी? पड़ोस के लड़के हमें बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम इस रूम में पढ़ाई करेंगे। मक्खी, मैं मक्खी को भी घुसने नहीं दूंगा, तुम जाकर पढ़ो। मेरे पापा। తెస్తున్నానండి.
मंडिरा। ఏంట్రా నాతోనే అట్లా ఇట్లాంటి సౌండ్లు చాలా వస్తుంటాయి నువ్వు వెళ్ళి మందులకు మంచింగ్ రెడీ చేయి హలో హే ఉస్కా పతి పహలే దర్వాజే పే ఫోన్ పే తుజే లగ్తా ఉసే పతా లగ్ జాయేగా హౌ कौन था जो दरवाजे पर था वही फोन पे था फोन शायद तेरे लिए है उठा जल्दी हाँ हाँ आ रही हूँ हेलो अरे नहीं फोन तो उसकी पत्नी ने उठा लिया मुझे लगता है उसे पता लग जाएगा कौन था तो अब यहाँ तक गिर गया है क्या बोला अब तेरा अफेयर बाहर आ गया इसलिए ओवर एक्टिंग कर रही है मेरा अफेयर मतलब तुम मुझ पे शक कर रहे हो क्या बोला जो सुना खुद देता है और मुझ पे शक करता है ये साउंड कैसी है मेरे पापा ये तो बहुत तेज है मैंने बोला था मेरे पापा अपनी शक्ल देखी है एक और चाहिए ये वो मर जाएगा ना मेरे पापा देख बेटा तेरी मां है चलो आपको थोड़ी कॉफी दे रही हूँ फिर से नहीं ये क्या था तेरे पापा तो बहुत पावरफुल है ना माँ ज्यादा पावरफुल है ये उसी का प्लान होगा बता रही हूँ मैं अब मुझे घर जाना है छे। स्टार्ट नहीं हो रही है बोला था ना ये उसी का प्लान होगा ऑटो ओके बाय शेयर ऑटो नहीं है उसे बता दो क्या रे इससे पता नहीं है क्या मुर्गे को काटने से पहले बताते हैं क्या डरने की बात नहीं है तेरा भाई और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं उसने मुझे गिफ्ट दिया था रिटर्न गिफ्ट तो देना बनता ही है ना लॉजिक तो है भाई इस लड़की को कहां ले जाना चाहिए ये राधा बीच खाली हो गई है बिल्कुल सही कहा तेरा लॉजिक सही है अगर आपको मेरे भाई से कोई दिक्कत है तो वो आपके आपस की बात है जो आप मेरे साथ कर रहे हैं वो फेयर नहीं है अरे इसमें भी लॉजिक है तो फिर इसे बैलेंस कैसे करेंगे सिंपल है भाई कौन बनेगा करोड़पति जैसे इस लड़की को भी 3 लाइफलाइन दे देते हैं फर्स्ट लाइफलाइन क्या है फोन है फ्रेंड जिसको चाहो उसे फोन कर लो चाहिए एक और फोन कॉल ठीक है कर लो पहली रिंग में ही फोन उठा लिया लवर है क्या लॉजिक है भाई उसने फोन उठा लिया उसे बात करो चीची मैं इससे बात नहीं करती
तू बोल क्यों नहीं रहे रे? हमारी बात ना करने की शर्त है। ये कौन सा लॉजिक है? ये नहीं पता भाई। इसके फोन करते ही तू यहाँ आ गया। हम सबको हरा कर तू यहाँ से ले जाएगा क्या? अरे क्या भाई, मौसम अच्छा है इसलिए पी रहा हूँ, सीन अच्छा है इसलिए देख रहा हूँ। जस्ट स्कूटी देने आया था। यहाँ क्यों बैठा है तू? बेशरम कहीं का। करेक्ट है भैया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसने फोन क्या किया, तुम तो आधी रात को उठकर आ गए। मैं आया। आकर क्या उखाड़ लिया? इन लोगों को मारने की बजाय सिगरेट पी रहे हो। छी, मुझे तुम्हें अपना पड़ोसी बोलते हुए भी शर्म आ रही है। क्या जिंदगी है, इंसानियत तो जैसे मानो खत्म ही हो गई है। अभी भी मुझे पड़ोसी बोल रही है। जिराव जैसे खड़े होने के बजाय कुछ कह। मैं क्या करूं? ये तुम्हारी किस्मत में है। मॉर्निंग रेलवे स्टेशन से लेकर कैंटीन, लाइब्रेरी, इवनिंग टेरेस तक तू जहां गया मैंने फॉलो किया। तुझे लगा मैंने तुझे डिस्टर्ब किया? मैं तो बस तेरे साथ रहना चाहता हूँ। वो भी छोड़ो, तुझे लगता है मैं तेरे फोन की वजह से आया हूँ? तेरे फोन से पहले यही था, तुझे कैसे बताऊं? 10 साल क्यों, ऐसे ही जीते हैं। तुमने मुझसे बात करी, इसके बाद कोई क्या बोलेगा? अच्छा खासा इंसान भी गुलाम बन जाएगा। बाय 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 बाय, बस एक सेल्फी भाई। अब सेल्फी काई को? तुम्हारी वजह से 10 साल का साइलेंस 10 मिनट में टूट गया। तुम तो सेलिब्रिटी हो भैया, इसका स्क्रीन सेवर बनाऊंगा। तुझे फाइट करने का मूड है क्या? भाई फीलिंग में मजा आता है, बाइक सॉन्ग ट्राई करूं क्या? हे क्या भाई, बिना लॉजिक पत्थर से खेल रहा है। मूड ठीक है ना भैया? भाई शर्ट मत फाड़ा, मेरी बीवी मुझे। अरे मैया रे भैया, ऐसा कोई मारता है क्या? मैं तुमसे कट्टी करता हूँ। तू कहाँ जाने लगा? सॉरी ब्रो, आई हैव अ लॉजिक। नो ब्रो, यू हैव टू कम। अगर मैं आया तुम मुझे मारोगे।
I am 50. I cannot bear it, bro. This is good for me. Intelligent logic, huh? Thank you, bro. शुक्रिया भाई, तुम्हारा भविष्य चमकता रहे। अब ये डंडा क्यों उठाया भाई? भैया एक बार इधर आओ ना। मैं इसे जाने दे रहा हूँ, तुम लेके जाओ इसको। भैया मैं बुला रहा हूँ, इधर आओ ना। तुम्हारा 10 साल में पैचअप हुआ है और तुम अच्छे फॉर्म में भी हो, जाकर एंजॉय क्यों नहीं करते? अब ये सब क्यों कर रहे हो? भैया जब आधी रात में लड़की सड़क पर अकेली चल रही हो तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होनी चाहिए। तुमने अपॉर्चुनिटी फील कर ली। ये लो, ये डंडा लो, लो ना। और अपने भाइयों को अच्छे से सबक सिखाओ। देखो अगर तुम्हारा हीरोइज्म कम हुआ, अगर कम हुआ, मेरे अंदर का हीरो आया तो तुम्हें झेलना पड़ेगा। क्या कहते हो? चलो। ए, बहुत हो गया, चलो घर जाओ, चलो उठो। ये कैसी पिटाई है भैया? जाओ जल्दी। मुझ पर थोड़ा ताव दो, इतना हीरोइज्म काफी नहीं है। कम ऑन, चलो यहाँ से, जल्दी चलो, हाथ में यहाँ पे खड़े हो, चलो जाओ जल्दी जाओ। ए, रुको रुको, भागो 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 भागो, जल्दी जाओ। अरे अर्जुन। अरे शिवा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। कॉलेज में तुम पॉलिटिक्स करते रहते थे, आखिरकार तुमने कर ही दिखाया। मेरा छोड़ो। हाँ। अमेरिका कैसा है? क्या न्यूज होगी, सब कूल है। ठीक है, आओ बैठकर बात करते हैं। पापा, शिवा। नमस्ते अंकल, हाउ आर यू? आइए आइए। नमस्कार नमस्कार, आइए। अरेंजमेंट तो बहुत बढ़िया। आप आए, बहुत खुशी हुई। ये मिनिस्टर साहब, ये पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। हाँ नमस्ते, आइए। नमस्कार। नमस्ते। तुम्हें क्या लगता है, शादी पूरी हुई या नहीं? जब रामू और चंती आए तो कैसे नहीं होगी भला। हे अर्जुन। नमस्ते सर। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम जैसे पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आ रहे, इससे अच्छी डेवलपमेंट और क्या होगी? खासकर तुमने पार्टी ज्वाइन की, मेरे लिए इससे खुशी की बात और कुछ नहीं। तुम्हें यूथ लीडर बनाया गया है ना? जी सर। कांग्रेट। थैंक यू सर। सुनो शिवा। हाँ बाबा। तुम दोनों क्लासमेट हुआ है ना? हाँ बाबा। मेरे बेटे के लिए किसी को ढूंढो, इसकी शादी करवानी है। श्योर सर। हमारे लाए रिश्ते इससे पसंद ही कहाँ आते हैं। नमस्कार। नमस्ते। मैं जब से वापस आया हूँ घर में बस यही टॉपिक चल रहा है, लेकिन मुझे अपनी पसंद की ढूंढनी है। तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ, बस वो घर संभाले, मैं खुश रहूंगा। आइए आइए आइए, दिखाओ। अर्जुन यहाँ आओ। क्या हुआ अंकल? शिवा तुम्हारे बचपन का दोस्त है ना, अच्छा आदमी हो। वो एकदम सोना है अंकल। वो रिश्ते की बात कर रहे हैं हमारे शुभा के साथ। शुभा के साथ? बहुत अच्छी बात है अंकल, मेरे दिमाग में आई नहीं, अभी उससे बात करता हूँ। ए शिवा। हाँ बोलो। एक मेरी पहचान में लड़की है, देखो कैसी है। तो ये तो बहुत सुंदर है। ये कोई पराई नहीं है, मेरी छोटी बहन है, HBC में प्रोजेक्ट मैनेजर है। अगर ये तुम्हें पसंद है, पेरेंट्स को लेकर घर आ जाओ। जरूर भाई। वो बहुत सिंपल है, हमारी फैमिली की तरह। हैप्पी बर्थडे। भगवान, ये 10 साल के बाद पहली बर्थडे है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम जिंदगी में कभी अलग ना हो, हम हमेशा साथ रहें भगवान। मैं एक गिफ्ट लाया हूँ। मैं भी एक गिफ्ट लाई हूँ। सच में? दिखाओ। हे, हम दोबारा एक जैसा गिफ्ट ले आए। ठीक है, ये बताओ तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली? हर बर्थडे पर मैं रात को 12 बजे उठकर दीवार फांद कर तुम्हारे लिए फोटोज लेता था। तुम्हें लगता है कि 12 बजे मैं सो जाती थी ताकि तुम आओ? मैं तो बस सो जाने का नाटक करती थी, बल्कि 3 बजे मैं दीवार कूद कर तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश करती थी। तो मैंने 10 साल में 10 किस मिस कर दी। अब मैं ये इंटरेस्ट के साथ लूंगा। ठीक है, प्लानिंग कर लेते हैं। नो प्लानिंग,
बस इन पक्षियों की तरह उड़ जाएंगे। लेकिन कहा? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। ए शिवा, कहाँ से आ रहे हो? हम सीमाचरण टेम्पल आए। मैंने अपने पेरेंट्स को तुम्हारी बहन की फोटो दिखाई, उन्हें वो बहुत पसंद आई। इफ यू डोंट माइंड, क्या हम आकर तुम्हारी बहन को देख सकते हैं? तुम पूछ क्यों रहे हो? मैं अभी माँ को कॉल करता हूँ। सुनो शुभा, उठो और तैयार हो जाओ, लड़के की फैमिली तुम्हें देखने आ रही है। ऐसे अचानक क्यों माँ? अभी तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, तुम पहले एक दूसरे को पसंद कर लो, फिर कुंडली मिलनी चाहिए, दहेज के बारे में बात होगी, उसके बाद कुछ होगा, बहुत टाइम लगेगा। कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी? ये वाली पहनो। हाँ ये वाली, ये इसके साथ अच्छी लगेगी। जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। भाई साहब, मेरा बेटा जब भी वापस आता है उसे वापस जाने की जल्दी लगी रहती है, इस बार उसने बोला ही नहीं, बताओ क्यों? हमारी शुभा के लिए। यस। ध्यान से मुस्कुराना। आओ बेटा। थैंक यू। थैंक यू। भाई साहब, सगाई वगैरह के लिए परेशान क्यों होना है? चलो सीधे शादी का प्लान करते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। ये क्या है माँ? आपने कहा था बस देखने आए हैं, ये शादी की बात क्यों कर रहे हैं? शांत हो जाओ, सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही होगा। बस एक हमारी छोटी सी मांग है। सर। अर्जुन, वाइजैक सिटी में अच्छा मैरिज हॉल बुक करना। शादी में करीब 10,000 लोग आ सकते हैं। आखिरकार हम पॉलिटिकल फैमिली से जो है। सॉरी सर, मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शुभा, क्या बोल रही हो? क्या बड़ों से ऐसे बात करते हैं? अंदर जाओ। कृपया उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, वो अभी एक बच्ची है। देखो आंटी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब पता है। आपका बड़ा बेटा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। चलो। सर, 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 ये क्या अर्जुन? तुम्हें पता होना चाहिए ऐसे इशू को कैसे हैंडल करते हैं। मेरे बेटे से अपनी बहन की शादी करना चाहते थे तो कम से कम अपनी बहन को पूछ तो लेते। तुम दोनों परिवार हमेशा से साथ रहे हो। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे घर पर क्या हो रहा है तो सोसाइटी का क्या पता होगा? यह ठीक नहीं है अर्जुन। अर्जुन, जब एक बार पब्लिक के बीच में आ जाते हो, इज्जत जान से ज्यादा जरूरी हो जाती है। दोबारा ऐसी बेइज्जती वाली बात मत करना। नहीं, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? औरत पर हाथ नहीं उठाता। आप सही हैं पापा, हमें लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मेरी बात सुनो भैया, प्लीज मुझे मत मारो भैया।
तू हमेशा मेरे और मेरे घर के पास घूमता है, मेरी बहन से प्यार करने की हिम्मत करेगा? अगर तूने मेरे घर में पैर भी रखा ना, मार डालूंगा तुझे। मूव। हे, रुको रुको रुको, क्या हुआ? सुनो, अगर हम दोनों साथ में जाएंगे तो दोनों परिवार जश्न मनाने लगेंगे। पहले मैं जाऊंगी, ओके? फिर 10 मिनट के बाद तुम आना। ओके। अब 10 मिनट नहीं, हाँ, आधे घंटे के बाद आना। ठीक है। जब तुम बात मानते हो ना तो बहुत क्यूट लगते हो। मुझे प्यार हुआ, प्यार हुआ, प्यार हुआ, ये तो अच्छा सॉन्ग है। ये चोट कैसे लगी? भाई फिसल गई थी, गिर गया। इसलिए सपने रात में देखने चाहिए और दिन में आके खुली रखनी चाहिए। ओके। ए, तो कुछ छुपा रहा है क्या? ए, ये बाइक से फिसलने की चोट नहीं लग रही है, क्या हुआ है? मैंने बोला ना, बाइक फिसल गई थी। क्या रे, छुपा क्यों रहा है? बताता क्यों नहीं है उसे? क्या हुआ है? क्या हुआ है? हे ऋषि, रुको रुको ऋषि, सुनो मेरी बात, रुक जाओ। मेरी बात सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? ऋषि, बाहर निकल। अरे बड़ों की इज्जत करना भी भूल गए क्या? क्यों, क्या तुम्हारे पोते में है क्या? जैसे उसने मेरे बेटे को मारा, इसने इसे बिना बात के पीटा। अगर तुम्हारा बेटा इसे ऑफिस में सबके सामने पीट सकता है तो मेरा बेटा क्यों नहीं? हाँ, उसने ऑफिस में उसे सबके सामने पीटा, क्यों? उसे गुस्सा नहीं आ सकता? ए, मैं अपनी पहुँच से मुझे हाथ लगाने के लिए तुझे जेल पहुँचा सकता हूँ, लेकिन इतने सालों के हमारी फैमिली की दोस्ती की वजह से तुझे छोड़ रहा हूँ। अगर तू या तेरी फैमिली किसी ने भी मेरे घर में पैर रखा, सबको मार डालूंगा। तुम मारेगा? अगर मेरी फैमिली को दोबारा चोट पहुंचाऊंगा मैं, क्या कर लेगा? हाथ तो लगा, बताता हूँ। ऋषि, कैसी बदतमीजी से बात कर रहे हो तुम? पापा, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, ये कर रहा है। अगर ये ऐसा नहीं करता तो बालू का ये हाल नहीं होता। मुझे आज बहुत ही अच्छी बात पता चली है। पहले मुझे घर में जीतना होगा, दुनिया तो बाद में आती है। अगर मेरी घर में कोई वैल्यू है, तोड़ दो इन सारे रिश्तों को, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन, ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरी बात तो सुनो। पापा, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप मुझे खो देंगे।
थोड़ी देर में ये टैबलेट ले लेना, ठीक है? अरे इतना लेट क्यों आई हो? दूसरे घर में बहुत सारा काम था। तू अब डिसाइड कर ले कि तू यहाँ काम करेगी कि वहाँ। तू दोनों जगह काम नहीं कर सकती है। विजाग से अंकापली दूर है और अंकापली से विजाग दूर है। क्या बड़बड़ा रही है? उसने भी यही कहा था, इसलिए मैं अपनी भतीजी को वहाँ भेज रही हूँ और मैं यहाँ काम करूँगी, बस यही बोल रही थी। हाँ, जा काम कर। बकवास है। तो कल रात तुमने म्यूजिकल नाइट एंजॉय की? राधा ने क्या कहा? उसने भी मुझसे मुंह फेर लिया यार। अबे तूने ऐसे ही किसी को मारा तो उसने तुझसे 10 साल बात नहीं की। अब तो तूने उसके भाई को ही पेल दिया है। 25 साल तो गए। 10 और 25 क्या, ये कोई सजा है? मैं कैसे गलत हूँ? उसने मेरे भाई को मारा तो मैंने रिएक्ट किया। ए, मैं राधा से गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसे माफी मांग कर भी बात नहीं करनी। राधा, राधा सुन। देख, ये हमारा फैमिली मैटर है, तो इन सब में इन्वॉल्व मत होना। हम तो पहले भी बात नहीं कर रहे थे, लेकिन तब प्यार था, लेकिन अब कुछ नहीं है, ना होगा। उसे थैंक्स बोल दियो। से बोलना अपने वर्ड्स पर इस बार खड़ी रहे। इनको क्या हुआ, ये ऐसे क्यों हैं? जैसे हम इन्हें जाने देंगे। कैंप है ना, वहीं कुछ प्लान करते हैं। चलो रे। सुनो ना, ये रिमोट नहीं चल रहा है, देखो तो। बैटरी खत्म होगी। ये तो चांटी का रिमोट है। नया ले लो। तारीख बदल गई, खुद को भी अपडेट कर लिया करो। बाय। बैठ जा। कोई नहीं। ए बैठना। कोई नहीं। ए बैठ जा, पवन कल्याण नहीं दिख रहा है। हेलो। हाँ? तुझे देखूं या पवन कल्याण को देखूं? नमस्ते मैडम, आपको अलग से बोलना पड़ेगा, समानता नहीं दिख रही। बैठो। हाँ जी। बस अभी पहुंच गई है बेबी। नहीं नहीं, छी, ये क्या निकल के आ रहा है? छी 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 छी, तू तो बकरी चराने वाला लग रहा है। तू डॉक्टर है क्या? जो गले में आया पहन लिया, कौन यकीन करेगा तू डॉक्टर? आंखें दिखा था, बताऊं अभी। बेबी आपका फोन है,
हेलो बुच्ची। हाँ भैया, सती बाबू सब संभाल लेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। भैया ने आपके लिए कॉटेज बुक किया है, चले ना। मैं इनके साथ आई हूँ, यही ठीक है। ओह शिट, ओह माय गॉड, ओह नो, ओह नो। तुम यहाँ रहना चाहती हो, यहाँ सुअर भी रहने से मना कर दे। इन्हें रहना है तो रहने दो, हम कॉटेज चलते हैं। राधा, तेरे भाई का यहाँ भी सर्कल है। सर्कल मैटर नहीं करता, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसकी केयरिंग तो करनी चाहिए ना। केयरिंग माय फॉट, इसे इनसिक्योरिटी कहते हैं। क्या इनसिक्योरिटी, वो भी सरपंच साथी बाबू के होते हुए। सरपंच? हाँ। तू जीता या हारा? जीत गया होता तो बैग क्यों उठाता, पक्का हारा ही होगा। hey, तू यहाँ घूमने आया है, मैं नहीं। जबान जबान थोड़ा संभाल कर चलाओ, वरना ये बस यहाँ से बस खाली बैग के साथ जाएगी। तुम सब यहाँ पे सड़क पे गाने गाते रह जाओगे। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, समझा? और मैं तुम्हारा गाना बनाऊंगा। चलो बेबी। अभी ये कौन है, जैसे सीजीआई की भैंस हो। हे, भैंस रो रही है, उसको जाके बांध दे। चल दीदी। हाय। लोकल डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया? मौसम है आशिकाना, नए पंछी आए हैं, तितलियां भी हैं। डॉक्टर पंछी, नया कोट पहना है, हीरो लग रहा है। बहुत ज्यादा बोल रहा है तू, चल निकल जा। डॉक्टर, आपका टेंट और पेशेंट कहाँ है? डॉक्टर, दोनों में से कोई नहीं दिख रहा। डॉक्टर, जब हमने टेंट लगाया था तुम्हारे सीनियर्स ने मिल के उसमें ग्रुप डांस किया था, भूल गए? अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम भी डांस रिकॉर्ड करोगे, कोई ऑप्शन नहीं है, तुम सबको जाना ही होगा घर। बेबी, तुम जाकर आराम करो, तुम्हारी अटेंडेंस मैं देख लूंगा। सती बाबूजी। यस बेबी। मैं अपना काम खुद कर लूंगी। अरे ओ सरपंच जी, बेइज्जती करवा ली। ए, बटन क्यों खुला है? हाँ, सांस नहीं आ रही क्या? ज्यादा हीरो बनने की कोशिश की ना, गाना गाना याद है ना? ए, इस गाने को छोड़ दे, पर्ची निकालने का टाइम हो गया है, चल। तेरी साइकिल में पंचर हो जा। आ। ओए, डॉक्टर पंछी हो, सुनो, दो दो करके अलग अलग टीम बना लो, समझ गए? तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम लोग उधर जाओ, बाकी उधर जाओ। ये पंछियों, तुम दोनों टीम में हो, तुम भी उड़ जाओ। डॉक्टर साहब, मेरे घर में मत जाना, वहाँ कोई बीमार नहीं है। अरे वो नहीं है, बस हेल्थ चेकअप करेंगे। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे घर में सब ठीक है। ओए मोरी अम्मा! अरे ये क्या हो गया? ए बुड्ढा बाबूरू, तो निकल लियो। ये देती हूँ, उठकर भागने लगेगा। भाग गया तो ठीक है, ऊपर चला गया तो? मुझे तो डाउट है। मुझे तो डाउट है, ये जिंदा भी है या मर गया? इसने वसीयत भी नहीं लिखी है। एक आदमी मर गया क्योंकि तुमने टाइम पे हेल्प नहीं की, ये तो सुना ही होगा। तुम दोनों कुछ नहीं करोगे तो यही होने वाला है। बाजू हटो, तुम इधर आओ। ये तो जिंदा है, कोई बिल्डिंग से थोड़ी ना गिरा था, ये पेड़ से गिरा था। सुनो, तुम लोगों ने काफी गड़बड़ कर ली है, तुम दोनों अब अलग अलग हो जाओ, यही ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। हाँ, ये लो। दीदी दीदी दीदी, आधे घंटे में मेरे पापा आ जाएंगे, उनको चेक करके जाना प्लीज। सुन, चलें क्या? एक पेशेंट है, तुम लोग जाओ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। Thank you.
डिस्टरबेंस हो रही है इसीलिए बंद की है। ए, आंखों से कबड्डी खेली लगता है, अंदर क्यों नहीं चला जाता? साथ वाला रूम खाली कर दूं क्या? मैं तुझे देख रहा हूँ, तेरी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है? पढ़ाई नहीं करता है क्योंकि तू गांव में नया है। मैं तुझे एक बम्पर ऑफर देता हूँ, मैं आंख बंद करके 3 बार चुटकी बजाऊंगा और तू गायब हो जाएगा। अगर तू नहीं गया तो तू हमेशा के लिए चला जाएगा। साथ ही बाबूज काउंटिंग स्टार्ट्स नाउ। 1, 2, 3। हे तू डर गया? मुझसे पंगा मत लेना, गाना गवाऊंगा तुझसे। सर मैं रास्ता भूल गया हूँ, बता दोगे क्या? तू दिखता खतरनाक है लेकिन तू तो बच्चा है, चल। चले रास्ते में रोक दियो, बेबी के लिए खाना लेना है। कैंप कैसा चल रहा है? तूने किसी का ट्रीटमेंट किया? लेकिन तू कैसे करेगा, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तुम सब अब डॉक्टर बन जाओगे? तुम्हारे पास कोई सरदर्द लेकर आया तो तुम हैंगओवर समझ के 90 ml बोल दोगे। कितना फनी है, रास्ते का पता ही नहीं चला। तूने कहा तुझे एड्रेस ही नहीं पता लेकिन तू तो सही जगह ले आया। अंदर जाकर दूध पी और सो जा। सर आप इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं, अंदर आइए ना। हाँ तू तो अच्छा आदमी निकला। ठीक है मैं तेरा दिल क्यों तोड़ूं, चल प्लीज आइए। बादाम बादाम बोलो कच्चा बादाम। हे तुम भी पीते हो क्या? हे डॉक्टर तुम इन कौओं के साथ क्यों पी रहे हो? मतलब इन सबको कौआ बोल रहे हो? तुम तोते हो क्या? आप लोगों को कौए के साथ हिसाब बराबर करना है क्या? कोट पहन लो, कोट पहन लो। रे मैं क्या कोई तोता हूँ जो शराब के लिए पेड़ पे बैठ जाऊंगा? मैं जंगल का शेर हूँ। तुमने गेट बंद किया, तुम्हारे लिए ये खेल होगा, मेरे लिए एक शिकार है। मुझे क्यों मारा? ए, तुझे क्या है? मैं किसी को भी छेड़ू, वो तेरी बहन है क्या? हर लड़की जो मुझे भाई बोलेगी मेरी बहन। मेरी शक्ल तुझे भैंस चराने वाली लगती है और क्या? तूने कोई FRCS किया है और ये लंदन है? ऐसा नहीं लगता कि तूने दाढ़ी बढ़ाई, ऐसा लगता है कि तू दाढ़ी में बड़ा हुआ है। मैंने क्या रे, तू मेरे लिए रूम बनवाएगा? हैदराबाद से एक वोटर के लिए मैंने वॉल्वो बस बुलाई थी, तेरे लिए रूम नहीं बनवा सकता क्या? अरे सरपंच जी थके हुए लग रहे हो, एक पैक लोगे क्या? आप कभी बूढ़े नहीं होंगे सर। थैंक यू, चीयर्स। चीयर्स रे। सर बुरा ना माना तो एक बात पूछो सर, इतनी खतरनाक पिटाई क्यों? जिस हाथ ने थप्पड़ मारा उसे दर्द हुआ ताकि गाल को थप्पड़ लगे, कुछ क्रिएटिव करते हैं ना सर। नाइट इज स्टिल यंग। चलो फिर एक गाना गाते हैं। मस्त आइडिया है सर। तुम में से कौन गाएगा? मेरे भाई एक्टिंग हो गई, चल अब गाना गा। मैं गाऊं? यस ओके। कौन सा गाना गाऊं? परदेसी परदेसी। परदेसी परदेसी तू जाना नहीं, तू जाना नहीं। एक सेकंड, क्या हुआ? ट्रेन के जैसे चुटकी कौन बजाएगा? वो कैसे करूं सर? उससे रिदम बनेगी ना, शायद करना यार। ओके सर। परदेसी परदेसी जाना नहीं, तू जाना नहीं, तू जाना नहीं। इस गाने को हनी सिंह के स्टाइल में गा। ये गाना हनी सिंह के स्टाइल में सर। ओके सर। परदेसी यो यार परदेसी, तू जाना नहीं, तू जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना, मुझे अब घर जाना है। अब यही गाना सुखविंदर बाजी के स्टाइल में गा के दिखा।
चलो शुरू हो जाओ। सर सुखविंदर, सुखविंदर एस से स्टार्ट होता है, साथी बाबू एस से स्टार्ट होता है, इसीलिए आई लव सुखविंदर सर। देखो कैसे रॉक करता हूं। कम ऑन कम ऑन। ओ परदेसी परदेसी, ओ तू जाना नहीं, तू जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। हाँ भाई, ये गाना अब हरियाणवी में गा दे भाई। परदेसी बेहतरीन होने चाहिए सर। हरियाणा रणदीप हुड्डा, आई लव रणदीप हुड्डा सर, क्या कमाल का एक्टर है। हरियाणा के नाम पे मस्त पार्टी होनी चाहिए सर। हाँ बिल्कुल देंगे, कम ऑन। परदेसी परदेसी, जाना नहीं हमें छोड़ के, हमें छोड़ के परदेसी मारे यारा, वादा निभाना मन ने याद रखना, कभी भूल ना जाना। क्यों सर, ये तो मस्त था काटी। छिछे बस यही इमोशन ही क्यों दिखाया सर, मारेंगे नहीं यही बात हुई थी ना सर। मुझे जाने दो सर, बॉडी बहुत पेन हो रही है। कहाँ जाना है, एक तो बैग और ले। सर बस आपने गाने को बोला सर, अब कॉन्सर्ट क्यों करा रहे हो सर, मैं आपको कभी याद नहीं करूंगा, मैं जाता हूँ। ब्लडी इडियट्स। सर बेबी को कुछ बताना है। अरे अरे ए सुनो, इधर आओ। हम इन ऑटो में बैठकर जाएंगे क्या? मुझ पर क्यों नहीं चढ़ जाते हो तुम, बिना दिमाग का तोता। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बस नहीं जा सकती है, इसलिए ये सब इंतजाम किया है। दिमाग मत लगाओ, जल्दी से बैठ जाओ। ए, ऋषि कहाँ है? वो पिछले रिक्शा में चला गया। भैया क्या हुआ? कुछ डॉक्टर के रिक्शे का एक्सीडेंट हो गया। वो कहाँ है? यहीं पास के हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। लड़कों को ऐसे आइडियाज आते कहाँ कहाँ से हैं? भूख लगी तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तुमने ये कितना अच्छा सेट किया है। वाइजाक के हर घर में मिनी बीच है, ज्यादा लवर्स को ये नहीं पता होगा, है ना? मुझे ये पसंद नहीं है। क्या? अपने ही घर में अजनबियों की तरह मिलना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सब कितना अपसेट होंगे ना। सही कहा, मेरे घर में कोई भी खुश नहीं है। अभी तक तो बस हम दोनों में ही लड़ाई थी, पर अब हमारे घर वालों में भी। लेकिन तुझे पता है कि हमारा प्यार कब पूरा होगा? जब हमारे परिवार मिल जाएंगे, वो करीब आएंगे तभी हम जीतेंगे। तुम सही कह रहे हो, मुझे नहीं पता कि क्या उन्हें हमारा प्यार मंजूर होगा, लेकिन उनकी खुशी में हमारा प्यार जरूर है। हम उन्हें एक जरूर करेंगे।
चलना चाहिए ना। ए, तुझे नहीं लगता है अनफेयर है? ऊपर पूरा चांद है, आसपास ठंडी हवा। मेरा भाई घर के अंदर है और तुम्हारे घर तुम्हारी माँ। मूड खराब करना तो तुझसे सीखे, चल चढ़ जा। ए, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, रिवेंज लेने का प्लान है क्या? मुझे बस लगा कि अर्जुन के लिए रिवेंज प्लान कर रहा है बस। अगर रिवेंज करना है तो उसकी शुरुआत तुझसे करनी पड़ेगी। मुझे लगता है इसके पुराने घाव भरे नहीं है, एक और दे देता हूँ। क्या बालू रे, बैकग्राउंड में जो लव स्टोरी चली वो बढ़िया थी लेकिन शुरू कब हुई? हाँ मैं बस वही जानना चाहता था, दैट्स ऑल। जो तुझे पता था तो पहले ही उससे बहुत कुछ कर चुका है, मुंह बंद कर और अपना काम कर। लगता है अभी ठीक नहीं हुआ है। भाग यहाँ से। ओके ओके। कैसा है? अच्छा है, लेकिन तुम्हारा ये लव कब स्टार्ट हुआ? हाँ सच में ये टॉपिक क्यूरियोसिटी, जस्ट क्यूरियोसिटी। इस पे मूवी बनाएगी क्या? मूवी तो तुमने पहले ही दिखा दी, अब मैं क्या मूवी बनाऊं? तेरी बहन ने कुछ बताया क्या? नहीं। और तुम्हारे भाई ने? वो तो अर्जुन रेड्डी के जैसे एक्टिंग कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? ऑपरेशन बदसा। मैं समझी नहीं। एक मिनट। मुझे लगता है उनकी साड़ी यहाँ आ गई है। अपना मुंह बंद रख, उन्होंने मांगी क्या? माँ लगता है आपकी साड़ी वहाँ उड़ के चली गई। वो वाली त्योहार पे उसने ही दी थी, उसे ही रख लेने दे। ओह ऐसा क्या? ये देख ये वाली साड़ी इसने दी थी, ये ले पकड़ अपने आप। शांता, अरे शांता। जी क्या हुआ? तू साड़ी साड़ी चिल्लाती है ना, ये पड़ी है उठा ले। गंगा गंगा जी, तुझे सफाई के लिए कपड़ा चाहिए था ना, ले ये लाल साड़ी उठा और इसे सफाई का कपड़ा बना। अरे रे हमने तो बहुत सफाई के कपड़े देख लिए, हमारे पास है तो हे इसे लेकर आना। बोल रही है बहुत देखे हैं। ये क्या था? उन्होंने बात तो की नहीं, इन दोनों ने ना वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया है, अब हम क्या करेंगे? वहां दे ओ हेलो। ठीक है तो आप प्लान बताओ। कल रात 7:30 बजे क्या कर रही थी? हाँ मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। ओए मेरी जान, कल 7:30 बजे हमारी मदर्स क्या कर रही थी? हाँ हमें उस सीरियल का कुछ फायदा उठाना चाहिए। ओह तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मदर्स आ सकती है? शुक्रवार देवी माँ का सेंटीमेंट, तेरे जैसी मॉडर्न लड़की को समझ में नहीं आएगा। हे वो देख, देवी माँ सबको आशीर्वाद देना। मैं उसके पीछे क्यों जाऊं? अब वो मेरे पीछे आएगी, मैं उसके पीछे क्यों जाऊं? अब वो मेरे पीछे आएगी। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू,
पता है मैं आपको कितना पसंद करती हूँ? मेरी बहन को भी आप बहुत पसंद हैं। बहन इधर आजा आजा। डॉक्टर बाबू जी। अरे डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। दीदी देखो डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू मैं और बहना तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं। सच्ची हम सीरियल का एक भी एपिसोड मिस नहीं करते। डॉक्टर बाबू आप इस मंदिर में आते रहते हैं? क्या आप दीपा को भी अपने साथ लाए हैं यहाँ पर? वो मैडम मैं... मतलब आप उस चुड़ैल मोनिता के साथ आए हो? अरे मैडम 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 यहाँ शूटिंग के लिए नहीं, मैं खुद से आया। अच्छा आपने देखा दीदी, डॉक्टर बाबू कितने धार्मिक हैं। हाँ। इस बात में कोई शक नहीं है, इतना कुछ होने के बाद भी ये अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहा। चलोगे? यस। क्या रे ट्रीट बोली थी, खा लिया था ये? लड़की को जब ट्रीट देनी होती है उससे कुछ लाने की जरूरत नहीं होती। तो पूरी प्रिपरेशन के साथ आई है। तुम्हें बटरफ्लाई पता है ना? क्या बटरफ्लाई केस? మంచి ప్లాన్ వేసి మన ఫాదర్స్ ని కలిపి. ఏంటి నాకే ఆర్డర్లు ఇస్తున్నావు? ఏంట్రా ట్రీట్ అవగానే టోన్ మారింది. మరి ప్లాన్లన్నీ నేనేయాలా? నువ్వు నాకు కూడా తిరుగుతుంటావా? అంటే నేను ప్లాన్ చేయలేనా? ప్లాన్ బనానే మే బహుత్ దిమాగ్ లగ్తా హై పతా హై నా? అచ్చా తో ముజ్ మే దిమాగ్ నహీ హై. హాన్ సహీ కహా. ఠీక్ హై తుమ్ అప్నా ప్లాన్ బనాఓ, మే అప్నా ప్లాన్ బనాఊంగీ. ప్లాన్ ఏకదమ్ ఛాలెంజింగ్ హోనా చాహియే, సింపల్ నహీ. मामा मामा मामा, पापा के लिए है, मैं ले जाती हूँ, मैं दे दूंगी। पापा कॉफी वही रख दो। ओके। हाय ब्रो। क्या कर रहा है भाई? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था भाई। यस रात भर तुम मेरे सपने में थे ब्रो। अच्छा मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ ब्रो। यस 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 यस। हे मैंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान बनाया, तुम्हारे पापा तो बोल्ड हो गए। बस अब मेरे पापा मान जाए। मैंने सुपर ऑर्डिनरी प्लान बनाया, तेरे पापा क्लीन बोल्ड हो गए, मेरे पापा को बनाना पड़ेगा। पहले मैं बताती हूँ, प्लीज 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 प्लीज। चल बता। मैंने ना अपने पापा का मोबाइल लेकर तुम्हारे पापा के मोबाइल पे मैसेज कर दिया, पता उन्होंने क्या रिप्लाई किया? हाय ब्रो बोलो। एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, फटाफट ये पूछा कि तू क्या कर रहा है भाई। मुझे लग ही रहा था तू ही रिप्लाई कर रही होगी।
तो मैं तुमसे बात कर रही थी क्या? तूने फोन क्यों उठाया? मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। हेलो, पहला टेक्स्ट मैंने किया था, मतलब पहले मैंने सोचा था। कुछ भी हो, प्लान तो फेल हो गया ना। छी, मूड ऑफ कर दिया। मूवी हम चले क्या? पुरानी मूवी, क्योंकि वहाँ कोई नहीं होगा। ज्यादा मत सोच, मेरा भी मूड खराब है, क्या पता ठीक हो जाए। हमें उन्हें मिलाने की जरूरत नहीं है, वो तो कभी अलग ही नहीं हुए। वो एक दूसरे की जान है, तुम उन्हें नहीं समझ सकते। क्या बेइज्जती कराई है भाई, अगला तू है। लड़कियों के साथ क्या खेलना, वो हारने से डर रहा है। आजा भाई, ये पकड़। कमान ऋषि, कमान ऋषि, ऋषि ऋषि राधा राधा। ये तुम क्या कर, तुझे क्या है? मेरी बहन के आसपास क्यों घूम रहा है? ऐसा नहीं है भाई। भाई कौन है तेरा? भाई बता रहा हूँ, रोड पर सीन मत बनाओ। ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे वार्न करने की? मुझे वार्निंग देगा तू? अर्जुन, रोड पर हंगामा नहीं, ये इलेक्शन टाइम है, ये सही वक्त नहीं। इलेक्शन की वजह से छोड़ रहा हूँ। मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, मैंने आज तक तुझे तेरे नाम से नहीं बुलाया, मेरे लिए तू बुझी रहेगी। वो लड़का तुझे मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो उसके साथ घूम रही थी। ठीक है, मुझ पर बस एक फेवर कर, आज से मुझे भाई बोलना बंद कर दे। तू क्या करेगा? hey, क्वेश्चन के नीचे हमेशा आंसर होता है, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी होता है। जब प्रॉब्लम भाई लेकर आया है, तो सॉल्यूशन भी वही लाएगा। आज से जहां वो होगा वहीं मैं होऊंगा। मधु जी चलूं मैं? कहां? अब भी सर आ गए तो पूछना छोड़ देंगे क्या?
सब खोने दो। ये मैं आ गया। ये कौन है? मुझे क्या करना है? लगता है इसके पास बहुत वोट बैंक है। उसके साथ में मिलो। अंकल, छोटे हो लेकिन सॉलिड हो अंकल। इस बार आप ही मेयर बनोगे अगर मेरा भाई चाहेगा। मेयर मधु जी जिंदाबाद। मेयर मधु जी जिंदाबाद। मेयर मधु जी जिंदाबाद। तुम लोग क्या कर रहे हो? निकलो निकलो। तुमने हमें बुलाया नहीं तो जाने को कैसे बोल सकते हो भैया? भैया क्या बोल रहे हैं बे? कृष्ण कृष्ण। क्या अंकल, कृष्ण अर्जुन का क्या रिश्ता था? ब्रादर का। वही तो मैंने बोला। मधु जी, इनके साथ कैंपेन शुरू नहीं होगा, इनको जाने को बोलो। हेलो मास्टर, हम तुम्हारे बुलाने पे नहीं आए, हमारे हीरो ने बुलाया तो आए। कौन है हीरो? वो आ गए। ये मेरे फैंस हैं। क्या राणा, ये थमारा लड़का है? ये बस मेरे लड़के नहीं हैं, वार्ड डिवीजन के मेंबर भी हैं। अच्छी हो तुम, अब तो बातचीत का कोई जरूरत ही नहीं है, शुरू करो रे। मेयर मधु जी चलो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत लगी थी तीर पे, जोर लगी थी तीर पे, जोर लगी थी तीर पे, जिंदाबाद। तुमको लगता है हमें वोट देंगे? हम कोशिश करेंगे तो जीत जाएंगे। ए आइटम चेंज। एक चांस एक चांस। थुप्पापल्ली मधु को एक चांस। एक चांस एक चांस। थुप्पापल्ली मधु को एक चांस। दादाजी, इस बार तीर पर हमारे मधु बाबू जी को वोट देना। चिन्ना चिन्ना, हाय मेरे चिन्ना को क्या हो गया? चिन्ना, ए साइड हो जाओ। क्या हुआ? इसे देखो ना, इसे करंट लग गया है। इसे अभी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। चलो चलो चिन्ना। गाड़ी निकालो। जल्दी करो, अरे गेट खोलो ना। बहन जी जल्दी बताइए, इसे हॉस्पिटल ले जाए। आप जा क्यों नहीं? मेरे पास पैसे नहीं है। सब पैसों के बारे में क्या सोच रहे हो? हॉस्पिटल को ले जाओ। जाओ जाओ जाओ। ए लॉजिक, जाके उन लोगों को देखना क्यों खड़े हो वहां पर। ए, तुम मुझे परेशान लग रहे हो, पहली बार वोट डाल रहे हो? तुम जाओ, मैं आता हूं। पहली बार में हेरा फेरी। ये मेरा आदमी है और वो भी, और वो यूथ लीडर है, वो सपोर्ट कर रहा है, क्या उसे रोकना चाहिए? ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है, इसे दूर रहो। तुम्हारा क्या मतलब है मैं बाहर रहूं? इसे दूर रहो। मैं यहां अपने साले अर्जुन के लिए हूं। ओहो, ऐसा है? तुम्हें लगता है कि ये कोई लड़की का मुद्दा है, पॉलिटिक्स है? चुपचाप निकल जाओ। इंपर्सनेशन नकली वोट डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या सोचते हो? रिकिंग रिकिंग वोट्स में हेरा फेर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकलो यहाँ से, निकल। वो ऑफिसर्स के साथ मिलकर नकली वोट डलवा रहा है। इसे जेल में बंद करो। इलेक्शन में गड़बड़ी कर रहा है, परेशान कर रहा है, इनकी वजह से मैं पार्टी में आया हूँ। अब वो हमारे बीच स्टूडेंट्स को पार्टी इलेक्शंस में क्या काम है? लेके जाओ इसे, जेल में डाल दो। जाओ जल्दी। समाज सेवा पार्टी ने जीवीएमसी इलेक्शन
बहुमत से जीत हासिल कर ली है। युवा नेता अर्जुन प्रसाद की अहम भूमिका रही। पार्टी ऑफिस में जश्न का माहौल है। यहाँ साइन करिए। यहाँ क्यों आए हो? ऐसा कुछ नहीं है पापा। जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से दो परिवार अलग हो गए, समझ गए? कम से कम एक दूसरे को हम लोग देख तो सकते हैं। एक दूसरे से अलग ना हो जाए तो तुमको चैन नहीं मिलेगा क्या? इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। नहीं पापा, मेरी बात तो सुनो। ए! तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए और तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। छे! चलो यहाँ से, चलो। जीत प्रगति की है या प्रेरणा की? खतरे में है अर्जुन प्रसाद का राजनीतिक करियर। वोट के लिए नोट में उलझे हैं अर्जुन प्रसाद। हाँ, अर्जुन सर ने हमें पैसे दिए इसलिए हमने उनकी पार्टी को। क्या कैसे कर सकते हो? क्या आपको नहीं पता कि पैसे के लिए वोट करना गलत है? पढ़े लिखे लोग पैसों से वोट खरीद रहे हैं, तो हम क्या करें फिर? इस पर पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? अर्जुन प्रसाद के राजनीतिक करियर को लेकर बढ़ गई है परेशानियाँ। अर्जुन, ये क्या है? सर, मैं पैसे क्यों बांटूंगा सर? एक लड़के को करंट लगा था और उसकी हालत खराब थी सर, मैंने उसे इलाज के लिए पैसे दिए। ओ सुनो यूथ लीडर, कहानियां मत बनाओ तुम। उसे एक्स यूथ लीडर बुलाओ, ये वो पकड़ा गया। सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, हमारे पास मिस्टर अर्जुन को कस्टडी में ले जाने का ऑर्डर है। एसपी साहब, एक मिनट। आप प्लीज बैठ जाओ। अर्जुन, पॉलिटिक कोई पंखुड़ी नहीं है, पत्थर है। फूलों का कोई लक्ष्य नहीं है, पर पत्थर कभी नहीं चूकते। राणा, तुम अपना लक्ष्य चूक गए। एलेक्स, हाँ सर, अर्जुन सर ने हमें पैसे दिए इसलिए हमने उन्हें वोट दिए। लेकिन क्यों? क्या आपको नहीं पता पैसों के लिए वोट करना गलत है? जब ऐसे पढ़े लिखे लोग पैसों से वोट खरीद रहे हैं तो हमें क्यों नहीं लेने चाहिए? बस काम हो जाएगा। ओके सर। जल्दी सभी जैनल्स को भेज दो। मैंने वही बोला जो आप मुझसे चाहते थे। अब हमारे बच्चों को छोड़ दो सर। सुनो, काम हो गया है, बच्चों को छोड़ दो। अर्जुन, इन दिनों कुछ अच्छा करना लड़ाई लड़ने के बराबर है। अगर तुम्हारी सोच महान हो तो इसके लिए तुम्हें लड़ना होगा, आखिर तक खड़े रहना होगा। ठीक है। चले चलो।
मैं तुझे देखता हूँ, तुझे बाद में देखता हूँ। तुम तो हमारी फैमिलीज को फिर से मिलाने की कितनी कोशिश कर रहे थे, जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो अब ये क्या कर रहे हो? खुश रहने का मतलब है साथ रहना, मतलब सबके साथ। मुझे जाना होगा। हे, क्या तुझे लगता है कि तुझे अभी जाना चाहिए? हालांकि हम गलत हैं, पर मुझे समझाने के लिए आगे आना होगा। ये क्या है पापा, ये क्या चल रहा है? मैं कौन हूं? इस घर में मेरी क्या जगह है? वो छोटा है, उसने मुझ पर हाथ उठाया। आप में से किसी ने उसे गलत नहीं कहा। आज मेरी फैमिली ने मुझे बेवकूफ बना दिया। अभी डिसाइड करो कि मुझे यहां रहना है कि नहीं। अभी क्या, अभी डिसाइड करो। अगर हो कौन तुम हमारे बीच में बोलने वाले? हमारी दोस्ती 50 साल पुरानी है। हम दोनों हमेशा एक साथ रहने वाले बचपन के जिगरी दोस्त हैं। अरे तू तो ये भी नहीं जानता, जब तू छोटा बच्चा था हमने आज तक अलग टीम में क्रिकेट नहीं खेला, क्योंकि अगर खेला तो हम दोनों में से एक को हारना होगा। इसलिए हार हो या जीत, हम दोनों एक हैं। ऐसे अच्छे दोस्त शहर में आते हैं और अपना काम करते हैं और सुखी जीवन जीते हैं। तू कब पैदा हुआ था? और अब जब तुम लोगों के बीच में लड़ाई हो गई तो तुम चाहते हो कि हम बात ना करें? फिर कहां का नियम हुआ ये? ए, कितने भी करीबी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन उनकी पसंद में हमेशा अंतर होता है। शादी के इतने सालों में भी मैंने सही कहा आपने। आपकी दोस्ती पर आपकी और मां की बात बहुत अच्छी लगी। उस दिन लड़ाई के बावजूद मैंने आपकी दोस्ती की वजह से उसे जाने दिया, लेकिन उसने मेरा पीछा किया, मुझे बदनाम किया। उसने मुझे आज पागल बनाया, मुझे चारों ओर दौड़ाया, मेरी फैमिली के आगे मुझे ही विलन बना दिया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा पापा। हे, मार दूंगा। अर्जुन, हे अर्जुन, तू क्या करने जा रहा है? लौनत है, मन बुद्धि, तू सिर्फ अपनी साइड से सोचता है। तुझे सिर्फ अपनी रेपुटेशन की फिक्र है। अगर वो नहीं होता तो जानता हमारी कितनी बदनामी होती। अंकल, तुम चुप रहो। अगर इसे बताया नहीं तो कभी पता नहीं चलेगा इसे। जा रहे हो तुम लोग? ओ, भाग रहे हो? डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे प्यार के खिलाफ नहीं हूं। मैं ही क्यों, हमारे पापा भी कभी तुम्हारे प्यार को मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम भाग जाते हो तो उनका क्या होगा? सुबह, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन तुम गलत समय पर करने की गलती कर रहे हो, बिना यह समझे कि भैया ने उसे मारकर गलती कर दी। गुस्से में उन्होंने मेरे भाई को मारा और मैंने भैया को मारने की गलती की। अरे, हमने ये सारी गलतियां की हैं और इनके सजा हम घर वालों को दे रहे हैं।
Hey, अर्जुन ने मुझे क्यों मारा? Because he lost image. और अगर तुम उनका सम्मान छीन लोगे वो तो मर जाएंगे. मुझे कुछ टाइम दो, मैं अपने परिवार को फिर से मिलाऊंगा और तुम्हारी धूमधाम से शादी करवाऊंगा. वसुबलेती वसीम कृष्णा के बेटे की, मिस्टर मैलापुरम बलराम की बेटी की शादी सबसे अलग होगी. भरोसा करो. सॉरी यार, मैं बहुत सेल्फिश हो गया था. पहले हम अपनी फैमिलीज को एक कर दें, फिर शादी करेंगे. चलो चलते हैं शुभम. अंकल आप यहां? एक पल के लिए मुझे लगा मैं गिर रहा हूं और तुमने गिरने से बचा लिया. हम अपनी खुशी के लिए आपके कर्जदार हैं अंकल. आपको गिरना नहीं चाहिए. मैं आपको गिरने नहीं दूंगा. मुझे आपकी मदद चाहिए. आप वादा करो कि आप इसे किसी को नहीं बताओगे. हमारी फैमिलीज वैसे ही परेशान हैं. तू अपनी बहन के भाग जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता. अगर ऐसा होता तो क्या तू बाहर कदम रख पाता, कर पाता पार्टी, घूम पाता कहीं? तो हर वक्त हमें दोष देता रहा कि हम एक दूसरे से बात क्यों करते. तू जानता है क्यों है आखिर ऐसा? क्योंकि हम नहीं चाहते कि तू बुरा महसूस करे. ये तेरे लिए रिस्पेक्ट है. तू कहता है ये तेरे चारों तरफ घूमता है, पता है क्यों? हमें फिर से मिलाने के लिए. जो गलती तुम दोनों से हुई थी वो उसे सुधारना चाहता है. ये कब समझोगे? I'm sorry, Rishi. आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो भैया? मैं आपको देखकर बड़ा हुआ हूँ कि आपने कौन सा ब्रांड पहना है. मुझे वही पहनना चाहिए. अरे वो इस ब्रांड की वॉच पहन रहे हैं, मुझे भी वही पहननी चाहिए. मैं ऐसे ही सोचता था. मैं आपको कैसे मार सकता हूँ भैया? मैं आपके और मेरे बीच में ईगो क्यों आने दूंगा? मुझसे गलती हुई है. सॉरी भैया. भूल जाओ कि मुझे पहले अंकल से माफी मांगनी चाहिए. चलो चले हूं. आप पहले जाओ, मैं बाद में आता हूँ. हे, किसी के घर बिना बुलाए नहीं आना चाहिए. मैं चाहता था कि मेरा बेटा मेरी बात माने. ये नहीं देख पाया कि तुम बहुत अच्छे से देख सकते हो. मुझसे गलती हो गई. रामड़ू, ओए, अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करेगा या नहीं करेगा? चंटी की हाँ, मतलब मेरी हाँ. कुछ और अंकल? बच्ची, क्या तुम मुझे भाई मानती हो? ए अर्जुन, वो बगल का लड़का है, तुझे कैसे पता लगा वो उसे पसंद करेगी? बुढ़िया, ये असली क्या है? मैं सबको साफ साफ बता दूं, अंकल मुझे राधा पसंद है. मुझे सिर्फ राधा ही पसंद है. अंकल, अगर मैं कभी शादी करूंगी तो बगल वाले लड़के से ही करूंगी, सिर्फ इस लड़के से करूंगी.
क्या आप सबसे अनोखे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की तलाश में हैं? अब आप अपनी तलाश बंद कर सकते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट से जुड़ी आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए rgentertainment.tv यहाँ मौजूद है। हजारों सबसे अच्छे और सबसे प्रीमियम इंडियन टीवी मूवीज एंड टीवी शो कंटेंट का मजा लें, वो भी 2K एंड 4K UHD क्वालिटी में। है ना मजेदार? तो फिर आज ही rgentertainment.tv के साथ अपने सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। कैच द लेटेस्ट हिंदी मूवीज, चाहे ये एक्शन हो, कॉमेडी हो, ड्रामा हो या फिर थ्रिलर, हमारे पास सब कुछ है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सिनेमा की सभी न्यूली रिलीज साउथ हिंदी डब मूवीज देखें। दिल को छू लेने वाली पंजाबी मूवीज में खो जाएं। चुनिंदा क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म्स का मजा लें, जो न केवल IMDb के चार्ट्स पर टॉप पर है बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज करती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप उन सारे बिंजवर्दी ऑन डिमांड वेब सीरीज को कैसे भूल सकते हैं, जो आपको अपनी सीट से उठने तक का मौका नहीं देंगी। अपनी फेवरेट मूवीज कभी भी और कहीं भी स्ट्रीम या डाउनलोड करें। आज ही rgentertainment.tv पर जाएं।